ये है मेरा स्कूल लिफ्ट। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज का न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि देख सकते हो, मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला जलपाईगुड़ी जाने के लिए। तो वहाँ पे दो दिन रहूँगा, तो प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं वापस घर चला आऊँगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो पर। जैसे कि देख सकते हो, मैं पहुंच गया यहाँ पे। यह है हम लोगों के घर का सामने का नदी, या करा नदी बोलते हैं इसे। तो क्या बात है, क्या बताओ इसके बारे में। तो बहुत सुंदर दिखता है कभी कभी। और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, देख सकते हो वहाँ पे भाड़ा किराए पे रहते हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नहीं है। तो अभी तो रात हो रहा था, मैं थोड़ी देर मतलब अपने दोस्त से मिलने गया था। तो अभी रास्ते से घर वापस जा रहा था, मेरा ये पुराना स्कूल देखा जहाँ पे मैं पढ़ा करता था। यहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ा, उसके बाद दूसरा स्कूल में एडमिशन लिया। तो ये रहा मेरा स्कूल, पुराना स्कूल। अच्छा भाई, बड़ी एकटा एर को अवस्था पूरा मेसेज मेनो का माथा है दिलो ओटा अच्छा मेनो का आज तो कदा घूमता है मेनो का माथा है दिलो মাঝখানে তুমি একটা অদ্ভুত হাসি শুনতে পাবে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, মানে সুবে তৈয়ার হোকে আমি ঘর কে লিয়ে রওনা হো রা হুম। তো আমি মানে টোটো পে হুম, বেঠা হুম আমি। তো আমি রুকা হ্যায় লোক। अभी 10:30 बज रहे हैं, तो अपनी स्कूल के सामने मैं खड़ा हूँ। ये मेरा पूरा मतलब ओल्ड स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ा करता था प्राइमरी से लेके 10th तक। एक्चुअली हिसाब किया जाएगा तो 10 साल होगा, लेकिन मेरा 11 साल इस स्कूल में बीता था। ये है मेरा स्कूल, ये पे स्कूल का प्लेग्राउंड जहाँ पे हम लोग खेला करते थे। ये प्राइमरी सेक्शन हुआ वो 5 से 7 तक, और ये 9 से 11 तक यहाँ का। पीछे भी है, अभी पीछे नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल जो है अभी बंद है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्कूल कितना बड़ा था, और आगे भी बन रहा है और ज़्यादा बड़ा हो रहा है साल दर साल।